मौजूद सामीन व नाजरीन लेकर आया हूँ आज फिर से आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सब वीडियो जिसमें मैं इन शह माह सफ़र मुजफ़्फ़र के दूसरे जुमह का वजीफ़ा और अमल बताऊंगा माह सफ़र की दस तारीख यानी माह सफ़र का दूसरा जुमा आने वाला है इस जुमा के पूरे दिन में अगर कोई शख्स एक छोटा सा अमल और वजीफा कर ले तो ताला उसके रिज्क में और दौलत में बेहिसाब बरकतें हासिल होंगी वजीफ़ा करने का तरीका बड़ा आसान है ये वजीफा औरतें भी कर सकती हैं मर्द भी कर सकते हैं जुमा के दिन यानी माह सफ़रमर के दूसरे जुमा के दिन में किसी भी वक्त आप ये वजीफा या अमल कर सकते हैं लेकिन बेहतर वक्त असर की नमाज के बाद का है यानी असर की नमाज के बाद करें ये ज्यादा बेहतर है तो सबसे पहले आप असर की नमाज अदा कर लें उसके बाद किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाए बैठने के बाद तीन मरतबा थ्री टाइम दरुशरीफ पढ़ें जो भी दरुशरीफ आपको बेहतर याद हो वो पढ़ सकते हैं पढ़ने के बाद चालीस मरतबा फोर्टी टाइम यह दुआ यह आयत आपको पढ़नी है शुरू में सिर्फ़ एक बार बिमिल रहीम पढ़ेंगे और इस आयत मुबारक को या इस दुआ को आप चालीस मरतबा इस तरह से पढ़ेंगे बसमिल्ल रन रही लतीफ़ुम बे इबादही या रजुकू मै या शाअ वहूअल कवील अजीज़ एक मरतबा और सुने अल्लाहु लकीफ़ुम बेबादही रज़ुकु मैशाऊ वहुलवील अजीज़ इस तरह से चालीस मरतबा पढ़ लें पढ़ने के बाद आखिर में फिर तीन मरतबा दरोलशरीफ़ पढ़ लें जो भी दरोशरीफ आपको बेहतर याद हो थ्री टाइम पढ़ लें पढ़ने के बाद अल्लाह त बारगाह में रोजी के लिए रिज्क के लिए दौलत के लिए बेहिसाब दुआएं करें इन अज व ताला आपके रिज्क में भी बरकत अता फरमाएगा दौलत में भी बेहिसाब बरकत अता फरमाएगा उम्मीद है आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा अल्लाह हाफिज